नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा में अवैध शस्त्र से हर्ष फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। गांव लतीफपुर में प्रधानी चुनाव के बाद जीत की खुशी में अवैध हथियार से जमकर हर्ष फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक तमंचे से हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। रात के करीब 11 बजे थाना अमरोहा देहात पुलिस को इस द्वारा वायरल वीडियो में तमंचे से और फायरिंग कर रहे अभियुक्त प्रद्युम्न पुत्र अखिलेश निवासी लतीफपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को नहर वाले चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। एक सोशल मीडिया पर जो प्रद्युम्न पुत्र अखिलेश है निवासी गांव लतीफपुर का, इसका तमंचे के साथ फोटो और वीडियो आया जिसके बाद अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर अमरोहा जिला के गांव ढवासरी में बस स्टैंड चौराहे पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा किया गया। संगठन की आचार पद्धति के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के अमरोहा जिला के प्रभारी सौरभ ने बताया कि केवल यही संगठन अब हिंदुओं की चिंता करने वाला है। जिस उद्देश्य को लेकर संगठन की नींव रखी गई थी उसके लिए संगठन को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि केंद्र और प्रदेश में हिंदू मानसिकता वाली सरकार है। अपना जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, इसकी स्थापना 24 जून 2018 में हुई थी। इसी निमित्त 3 साल बेमिसाल ऐसे करके संगठन पूरे देश के अंदर अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहा है। यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 23 जून से 30 जून तक चलने वाला है। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में अपने अमरोहा जिले के अंदर ढवारसी का जो कार्यक्रम है, यह ढवारसी के अंदर मास्क वितरण का कार्यक्रम अभी अपने गांव में हो रहा है। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 2 स्थानों पर अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम हनुमान चालीसा के सामूहिक हनुमान चालीसा के माध्यम से और यहां पे मनाया जाएगा। ऐसे करके अपना ये विश्व अपना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, कहीं रक्तदान कर रहे हैं, कहीं मास्क वितरण कर रहे हैं, वृक्षारोपण, इस प्रकार से अनेक माध्यम के द्वारा यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। लगभग आज के कार्यक्रम में कितने कार्यकर्ता मौजूद रहे? लगभग इस कार्यक्रम में लगभग 25-30 कार्यकर्ता यहाँ पे इस ग्राम में उपस्थित रहेंगे। अमरोहा के हसनपुर में करबला पर दिन दहाड़े आम के बाग में 1.5 दर्जन करीब पेड़ काटकर शाख से नष्ट करते हुए ट्रैक्टर चलाने वाला आरोपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं वन दरोगा ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर के करबला पर तालाब के समीप सोमवार को दोपहर बाद जहां करीब 1.5 दर्जन के करीब आम के पेड़ काटकर ट्रैक्टर चलाते हुए शाख से नष्ट करने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक देशराज सिंह और हल्का लेखपाल नरेश कुमार के कहने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक नहीं माना और उसने उन पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और मौके से अन्य आरोपी भागने में कामयाब रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।